करते हुए देखा हमने सीमा को, उतनी ही फुर्ती से इस फिल्म की शूटिंग भी हुई थी। पूरी फिल्म हमने 5 दिनों में शूट कर ली थी। एंड आपने देखा कि लोकेशंस और कितने छोटे 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 कई सीन्स उसमें हैं, तो उसी स्पीड से काम भी हुआ। तो मुझे तो शूट होने के बाद रियलाइज़ हो गया कि अच्छा हो गई है, उससे पहले तो टाइम ही नहीं था, सोचने का भी टाइम नहीं मिला। बाकी मज़ा बहुत आया क्योंकि बहुत स्वीट स्टोरी है और लिखी इतनी अच्छी गई है कि इसमें डायलॉग्स बहुत फन मोमेंट्स हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें बहुत प्यार से आराम से हंसी मजाक में कह दी हैं। एंड आई एम ग्लैड, जब अभी हम स्क्रीनिंग देख रहे थे तो जिस तरह का रिस्पांस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग हंसे भी, लोग रोए भी, लोग उस चीज़ को महसूस भी करें, तो वो सब आज एक्सपीरियंस हुआ, तो लगता है कि हाँ मेहनत काम आई। ऐसी कहानी है जो बहुत सारी महिलाएं जिसके साथ रिलेट कर पाएंगी, बिकॉज अभी भी जो लोग यहाँ पे देख रहे थे फिल्म, उसमें से नॉट ऑल द हाउसवाइव्स, वर्किंग भी लेडीज थी और दे आर लाइक प्रॉपर वर्किंग वीमेन जो शायद उतना घर नहीं भी संभालती हैं, बट एवरी वन हैड टू से वन थिंग कि मेरी लाइफ की स्टोरी है, मेरी लाइफ की स्टोरी है। सब्जेक्ट है जो हमारे यहाँ तो हर घर का मतलब मुद्दा हो सकता है, एंड इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि इतना कंट्रीब्यूशन जो घर की महिलाएं करती हैं उसको अक्नॉलेज किया जाए। अक्नॉलेज करने से सिर्फ नहीं होगा, एक्चुअली वी नीड टू शेयर इट। अक्नॉलेज और अप्रिशिएट करना भी ज़रूरी है, क्योंकि हम मानते ही नहीं कि घर का काम कुछ काम है, जबकि वो 24/7 चलते रहता है। लेकिन इट्स हाई टाइम कि घर के सभी मेंबर्स उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, उस काम को शेयर करें, लाइक हाउ इट हैपन्स इन द फिल्म। आई थिंक इट विल बी वंडरफुल अगर वो हम अचीव कर पाएँ तो। Sweetest people I know, as a couple, as storytellers, as filmmakers, they're very real people. तो सबसे अच्छी बात यह है कि ऐसे लोगों के साथ आपको ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है कि जब वो कोई कहानी कहेंगे तो वो दिल से होगी, दिल से कही जाएगी और दिल से सोची लिखी जाएगी, डायरेक्ट की जाएगी, तो देन यू नो यू कैन बी योर सेल्फ। इसीलिए जब मुझे कहा गया कि ये फिल्म है और अश्विनी मैम का फ़ोन आया था, वो डायरेक्ट कर रही हैं और नितेश सर ने लिखी है, आई थिंक मेरे पास कोई कारण ही नहीं था सोचने का कि क्यों मुझे नहीं करनी चाहिए या क्यों मुझे करनी चाहिए। आई थिंक वो फ़ोन में वो समझा ही रही थी ऐसे, हाँ हाँ आई एम डूइंग इट एंड आई एम ग्लैड आई डिड इट। वेरी स्वीट ऑफ देम कि वो मुझे थैंक यू कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअली थैंक यू मुझे कहना चाहिए कि उन्होंने सीमा के कैरेक्टर के लिए मुझे चुना। इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी और सीमा को प्ले करना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत बहुत स्पेशल। तो हाँ, ये विमेंस डे पे सोनी लिव पे स्ट्रीम होनी शुरू होगी एंड आई वॉन्ट दैट मोर एंड मोर पीपल शुड वॉच इट, नॉट जस्ट विमेन। ऑल्दो ये कहानी है सीमा की, लेकिन आई वॉन्ट कि सिर्फ महिलाएं ही नहीं लेकिन घर के सभी लोग, समाज के सभी लोग इसे देखें, बिकॉज दिस इज समथिंग जो हमें, जिसके प्रति हमें थोड़ा सा सजग होना पड़ेगा, थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। एंड हाँ, विमेंस डे है तो एक दिन अच्छा है, सेलिब्रेट करने के लिए अच्छा है, लेकिन आई थिंक हमें उस चेंज को लाना पड़ेगा दैट एवरी डे इज़ एवरी वंस डे। किसी एक खास
स्पेशल दिन में सिर्फ हम सेलिब्रेट करके उसको भूल ना जाएं, ये हमें अपने सोच में, अपने एवरीडे लाइफ में वी हैव टू इम्बाइब दिस. एंड जैसे फिल्म में होता है कि उसमें कोई नारेबाजी नहीं है, कोई शोर नहीं है, बट बहुत आराम से, बहुत प्यार से एक मैसेज है. एंड आई होप कि जो भी इसे देखे वो उस मैसेज को अपने में ढाल ले बस ज़िंदगी भर के लिए. भाई एज ऑफ नाउ आई हैव देर इज़ समथिंग विच इज़ हैपनिंग एंड होपफुली एक महीने के अंदर बताऊँ आप लोगों को, चलेगा? ओके, थैंक यू एवरी. Everyone for coming yet again after Panga, अभी मैं आपको मिल रही हूँ. मुझे ये बोलना था कि घर की मुर्गी एक बहुत ही स्पेशल फिल्म है, क्योंकि हमने इसको एक्चुअली बनाया था इंडिया को रिप्रेजेंट करते हुए ब्रिक्स के लिए, जो ब्रिक्स की जो फेस्टिवल होती है उसमें इकोनॉमिक फेस्टिवल के साथ हमको दिखाना था कि हर कंट्री से एक डायरेक्टर जाएंगी और अपने कंट्री के बारे में एक शॉर्ट फिल्म बनाएंगी. तो मुझे लगा कि मैं चुनी गई थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, और तभी हमने ये पिक्चर बनाई थी. रितेश ने लिखी है ये फिल्म, हम दोनों हमेशा पार्टनर्स की तरह काम करते हैं. डायरेक्ट नहीं किए बट डायरेक्ट मैंने किया, और संजय है, इन्होंने प्रोड्यूस की है ये फिल्म. तो बस यही है, और मैं बहुत बेहतर भी से इंतज़ार कर रही थी कि ये फिल्म कभी तो दिखे, क्योंकि साक्षी ने बहुत अच्छी चीज़ की है. शी इज़ एन अमेजिंग एक्टर, और और मुझे ऐसा लगता है कि सोनी के साथ जुड़ने में अभी हमारा और एक बार कमबैक है सोनी. देखिए ये जो जो टॉपिक था वो हम लोगों को पहले ही बोला गया था, तो आई रोट यू अ ब्रीफ कि हाफ द स्काई. तो हाफ द स्काई वॉज द टॉपिक विच वॉज गिवन टू अस, कि जो घर की स्त्री होती है यू नो, उसको भी उतना ही हक है उस घर में, तो उसके ऊपर अगर आप कुछ लिख सकते हैं. तो ये जो ज़िंदगी है, मैं नॉर्मली वही लिखता हूँ जो ज़िंदगी मैंने अपनी ऑब्जर्व करी है. तो आप जैसा कह रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे नुआंसेज हैं और जो ये सब चीज़ें मैंने अपने इर्द गिर्द, अपने घर में, अपने पड़ोस में, कहीं ना कहीं किसी दोस्त से सुनकर, ये सब चीज़ें जो मैंने ऑब्जर्व करी हैं उन्हीं को मैंने लिखा है. बट वॉट आई मीन आई विल इट्स ऑल शॉर्ट कि मैं राइटर हुआ अपने बारे में, बट मुझे लगा कि ये बहुत ही संवेदनशील टॉपिक है, क्योंकि हमारी वाइफ, हमारी मदर्स इतना काम करती हैं, और बदले में उनको एक थैंक यू तक नहीं बोला जाता है बिकॉज दे आर टेकन फॉर ग्रांटेड. तो मेरा पर्सनली ये मानना है कि जो हमारी वाइफ्स होती हैं, जो हाउसवाइफ होती हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ फुल टाइम जॉब टू बी हाउसवाइफ, इट्स नॉट समथिंग विच इज़ दैट ईजी, यू नो, इट डजन गेट रिकग्नाइज, उसका कोई रिकग्नाइज नहीं करता है. और ये मेरा पर्सनली मानना है कि जो हमारी हाउसवाइफ्स होती हैं, चाहे वो हमारी वाइफ हों या चाहे वो हमारी मदर्स हों, यू नो, दे गेट टेकन फॉर ग्रांटेड लाइक वाटर. जब पानी आपके इर्द गिर्द घर में होता है तो यू टेक इट फॉर ग्रांटेड, यू रियली डोंट थिंक ट्वाइस अबाउट इट. बट जब पानी घर में नहीं मिलता है आपको, तब आपको पानी की अहमियत समझ में आती है कि हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ फॉर लाइफ. सो दैट इज़ समथिंग विच आई केप्ट इन माइंड व्हेन वी रोट दिस, एंड आई एम सो हैप्पी दैट ऑल ऑफ यू लाइक इट सो मच. थैंक यू. करनी पड़ी. चैलेंजिंग इसके लिए था क्योंकि हम यूज टू है कि हम 2 घंटे की मूवी में बहुत कुछ बता देते हैं, और फिर हमको एक 15-20 मिनट्स में, ये 20 मिनट है उसमें हम सब कुछ बता देते हैं, पर वो 20 मिनट में जैसे आप पूरा स्टोरी को कंप्लीट करते हैं, दैट इज़ व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. शॉर्ट फिल्म का मतलब ये नहीं होता है कि आप शॉर्ट फिल्म, मतलब एक स्टोरी जिसमें स्टोरी ना हो और एक शॉर्ट फिल्म बना दो. शॉर्ट फिल्म का मतलब ये होता है कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आप कितने कम टाइम में बनाएं उसको, पर
फिर भी वही इमोशन लेके आए कि आपको और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है देखने की. आप बोलते हो कि मुझे सब कुछ ही समझ में आ गया ये 20 मिनट में और मुझे ये 2 घंटे में नहीं देखना. शॉर्ट फिल्म का मतलब ये होता है. चैलेंजिंग संजय के लिए बहुत था चैलेंजिंग था, क्योंकि हमारे पास बहुत लिमिटेड बजट, पैसे बहुत कम थे और कहानी तो लिखी जा चुकी है ना, तो संजय हैड टू मैनेज लॉट ऑफ फेवर्स एंड पुल लॉट ऑफ फेवर्स. काफी टाइम ऐसा होता है कि स्पेशली जब शॉर्ट फिल्म्स बनाते हैं और आजकल ट्रेंड है शॉर्ट फिल्म्स बनाने का और बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स एक्सपेक्ट करती है कि आप उनको शॉर्ट फिल्म्स दो क्योंकि लोग देखने आते हैं वो चीज़ को, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग. पर बजट भी इतना नहीं मिलता, बहुत कम बजट मिलता है और एक प्रोड्यूसर के नाते इनको फेवर्स से और बहुत सारे चीज़ों से वो फिल्म को उतनी ही क्वालिटी के साथ मुझे दिखाना पड़ता है. तो संजय इज़ द वन हु एक्चुअली गॉट इट इन द राइट कॉस्ट इन द राइट बजट. एंड और शॉर्ट फिल्म के टाइम पे ये भी होता है कि आपके सब जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि पंगा जिसने बनाई, वो सब HODs ने मुझे ये फिल्म में हेल्प किया. म्यूज़िक में आप फेवर लेते हो, आप साक्षी जी ने एक्चुअली एक फेवर किया है, साक्षी जी ने एक्चुअली एक फेवर किया है मेरे लिए ये फिल्म बनाकर, क्योंकि उन्होंने पैसों के बारे में बात भी नहीं किया. तो दैट इज़ द ब्यूटी अबाउट हैविंग टैलेंटेड एक्टर्स हु फील दैट दे आर डूइंग दिस बिकॉज दे वांट टू से समथिंग मोर. प्रोड्यूसर्स ढूंढना चैलेंजिंग चीज़ नहीं होगा जब आपके पास एक अच्छी स्टोरी हो. हम जिस दौर से गुजर रहे हैं अपने देश में, हमें ज़रूरी है कि हम और स्टोरीज़ बताएं वुमेन एम्पावरमेंट में. और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप मेरे को समझ में आ रहा है आप क्या बोल रहे हो कि एक वुमेन का स्टोरी है तो मतलब कितने लोग देखने आएंगे. ऐसा नहीं है, स्टोरी अगर अच्छी होगी तो लोग देखने आएंगे. और स्पेशली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में जब आपका सिंगल व्यूइंग है, वो एक्सपेक्ट करते हैं और उनका ये अभी एंकरेजमेंट है कि आप जितने ज़्यादा एक्स्ट्रा स्टोरीज बताएंगे उतना अच्छा है. तो सोनी लिव इज़ दैट नाउ. सोनी लिव इज़ पुशिंग टूवर्ड्स टेलिंग डिफरेंट स्टोरीज, गुड स्टोरीज, जो और यंगस्टर्स को भी बहुत एक चांस मिलता है जो आप वो उनका टैलेंट भी दिखाते हैं उसमें. एक्चुअली आई फील वेरी हैप्पी कि बिकॉज दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिल्म विच नीड्स टू बी टोल्ड एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट someone like Sony Liv is coming on board to make sure that it reaches people, because we as storytellers, that is the biggest desire aapke dil mein jo hai ki aapki kahani jo hai wo zyada se zyada logon tak pahunche. To Sony Entertainment Television aur Sony Liv saath mein aakar aisi stories ko agar encourage karenge aur promote karenge aur logon tak pahunchayenge, to I think ye ek bahut acha signal hai, you know, for the people of the country and also to the writers and the creators that yes, there are takers who are willing to not only, you know, make this kind of stuff but also to promote it and encourage it also, so which is a very heartening thing. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, सोनी लिव जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आप सब राइटर्स को मौका देता है, सब डायरेक्टर्स को मौका देता है. तो अगर आपके पास कोई अच्छा स्टोरी हो तो आप सिर्फ आपको ये नहीं होना चाहिए कि वो ये बनाएगा कौन, थिएटर में कब जाएगा, कौन से एक्टर्स आएंगे, ये सब सोचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आपको ये मौका देता है. इंटरनेशनली या इंटरनेशनली ये चाइना, क्योंकि ये जिया जांग के जो बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं चाइना के, वो काफ़ी अवार्ड्स जीत चुके हैं कैन में, तो उन्होंने हमारे साथ ये को प्रोड्यूस किया. और संजय जी गए थे चाइना, इसके शंघाई फिल्म फेस्टिवल में इसको रिलीज़ किया गया, तो ये ज़्यादा बताएंगे क्योंकि मैं जा नहीं पाया. 5 फिल्में थी एंड दिस वॉज द बेस्ट रिसीव्ड. आई मीन इफ देयर वाज एन अवार्ड दिस वुड हैव वन द फर्स्ट. We were very happy. Coffee oven meant. Actually, मुझे ऑनेस्टली पर्सनल, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि कहानी होती है, भले ही आप उसको पर्दे पर देखें या छोटे पर्दे पर देखें या आप अपने मोबाइल के स्क्रीन पर देखें, जहाँ पर आपको अच्छा लगे. व्हाट इज़ वेरी गुड थिंग अबाउट इट इज़ कि हर एक कहानी को शायद सिनेमा घर तक पहुँचने का मौका ना मिले फॉर वॉट एवर रीज़न, यू नो, कि वो कहानी शायद कमर्शियली इतनी वायबल नहीं है जो ताकि उसको अगर सिनेमा घर पर पहुँचाया जा सके. लेकिन अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को लगता है
ये कहानी उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए उपयुक्त है तो वाई नॉट नो एंड आई थिंक इट्स अ समथिंग विच इज़ अ वेरी एनकरेजिंग साइन क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कहानीकारों को अपनी कहानियाँ कहने को मिल रही हैं पर बड़े पर्दे पर नहीं तो ना से छोटे पर्दे पर से ही बच See, this debate has been going on for very long. I don't think cinema ka charm is going to go anywhere, you know. Because it's an occasion for us, you know, in our country, going to watch a movie is an occasion. Watching it on a digital platform is not an occasion. You don't let go of occasions so easily. So that thing is not going to go anywhere. जब आप ग्रुप में जाते हो थिएटर्स में और हंसते हो तो वो इवेंट व्यूइंग होता है एक इवेंट होता है इवेंट फिल्में बहुत अच्छी चलेगी सुपरस्टार्स को देखने लोग थिएटर में जाएंगे बड़ी एक्शन फिल्में जो आपको एक लैंडस्केप देती है वो उसके लिए थिएटर की बहुत ज़रूरत है लोग अपने दोस्तों के साथ इसके लिए छिछोरी क्यों गए लोग थिएटर में देखने के लिए क्योंकि वो पहले फैमिली के साथ जाते हैं फिर बोलते हैं यार तू तेरे जैसे कैरेक्टर है चलो दोस्त सब लोग दोस्त साथ में जाते हैं फिर वापस जाते हैं तो बेसिकली लोग इसके लिए जाते हैं क्योंकि उनको मस्ती करना है उनको तालियां बजानी है उनको रोना भी है और साथ में भी रोएंगे प्रॉब्लम नहीं है तो इवेंट फिल्म्स जो बड़ी स्केल वाली फिल्म्स होती है जो साथ में फैमिली के साथ जा सकते हैं या जो आपको रुलाता है हंसाता है वो सभी फिल्में चलेगी हमेशा चलेगी बट पैरेलली आपको ऑनलाइन फिल्में भी चलेगी अभी विच इज़ सो गुड इन फैक्ट डोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर आर थिएटर्स दैट हैव डिजिटल कंटेंट ओनली रनिंग इट कुड बी द अदर वे अराउंड हां बोलो वुमेन से की विश बीवी बाजू में है नो आई पर्सनली फील दैट यू नो आई विल रियली वेट फॉर अ डे व्हेन वी डोंट हैव एनी नीड टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे एंड दैट इज माय विश टू बी वेरी ऑनेस्ट ऐसी अश्विनी का नाम मैं नहीं लूँगा यहाँ पे क्योंकि वो मेरे बाजू में खड़ी है तो ऐसा लगेगा कि मैं डर के बोल रहा हूँ बट देर हैव बीन यू नो आई हैव लॉट ऑफ माई मौसीज एंड आई हैव लॉट ऑफ माई आंटीज हु लुक्ड आफ्टर मी आई लॉस्ट माई मॉम व्हेन आई वाज वेरी यंग बट माई मौसीज एंड माई आंटीज एंड ऑल दोज गाइज नेवर मेड मी फील लाइक दैट शी वॉज नॉट अराउंड एंड So yes, I'm very thankful to them. The kind of love and support I've got from all of them to fill that big void which came in my life and to make me a strong person. So yes, those are the women who I'm always going to be very grateful to. But you have to be grateful to me also after saying that. I said that. You know, I mean, I can't be so biased right now. Thank you. Thank you so much.